हेलो मित्रों, आपका स्वागत है सॉल्यूशन मित्र पे। तो मित्रों, आज का क्वेश्चन है डी वाई डी एक्स ऑफ ए की पावर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। तो जी देखो कैसे होगा ये। तो ये देखो, ये कुछ हमारे पास इस प्रकार से है। ए की घात कोई वेरिएबल है एक्स, ए की घात कोई पॉलिनोमियल है जो कि एक्स वेरिएबल है, जिस मतलब एक्स वेरिएबल की पॉलिनोमियल है ऐसे कह सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास हमें पता है कि जब हम डी वाई डी एक्स करते हैं इस प्रकार की टर्म का, कि हमारे पास नीचे बीस क्या हो, एक कांस्टेंट टर्म हो। ठीक, जैसे कि यहाँ पे एक कांस्टेंट है, ये ए कांस्टेंट होगा ना, कोई ए बी सी डी जेड कोई कांस्टेंट है। तो वैसे तो एक्स को भी कांस्टेंट नहीं, मतलब ये ए क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है ये, 1 2 3 4 कुछ ऐसे फिक्स वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, और ये जो है एक्स तो वेरिएबल है, इसका मतलब वेरी करता रहता है, चर बोलते इसे, ये अचर है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे जब हमारे पास ऐसा रहता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स रहता है, तो इसका जब हम वैल्यू निकालते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं इस प्रकार के जो हमारे पास पॉलिनोमियल होंगे उनका, तो वो हमारे पास आता है क्या आता है कि ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ बेस ऑफ ई पे ए, ये ऐसे होता है इसका एक्सपेंशन, मतलब इसका जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है हमें ये मिलता है। तो बिल्कुल हमने यही करना है जी, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो और भी लगना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि इतने में ही निपट जाएगा ये, थोड़ा सा इसमें और भी है। देखो कैसे, अब मैं सबसे पहले देखूँ डी बाई डी एक्स ऑफ ये करूँगा ए, तो ए की पावर एक्स रहती तो सीधे सीधे ए की पावर एक्स लिख देता मैं। ठीक, तो वो तो लिखना ही पड़ेगा मेरे को वैसे भी, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स के टर्म में पॉलिनोमियल तो हो गया, ए की पावर ये सीधे सीधे ऐसा आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होगा, अब देखो ये भी आपने लिख दिया इस फॉर्मूले के हिसाब से, लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ ए, ठीक है जी, ये इतना आपने लिख दिया। ठीक है भाई, ये तो आपके कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ तक, तो क्या यही हमारा आंसर हो गया? ठीक है, ये बिल्कुल अभी हमारा पूरा मतलब डिफरेंशिएशन नहीं हो रखा है, ये अभी हमारा आंसर नहीं है इसमें, पता है इसमें एक चीज़ नहीं कर रखी इन्होंने, इसमें ये भी होना था, फिर से क्या होना था, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स होना था इसने यहाँ पे ऐसे। ठीक, यानी कि जो ये वेरिएबल है ऊपर, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है मल्टीप्लाई करके। ठीक, तो इन्होंने इसलिए नहीं लिखा यहाँ पे कि डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स के इस मैप में एक्स का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई करके यही टर्म मिलने वाली है, तो उन्होंने ये सीधे सीधे इसलिए हटा भी दिया था। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक्स है कि हमारा भी हट जाएगा 1 आएगा, तो हमारा नहीं है, तो हमें तो करना ही पड़ेगा भाई डी वाई डी एक्स ऑफ ये तो करना ही पड़ेगा 1 प्लस x स्क्वायर। मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ 1 प्लस x स्क्वायर, रूट का मतलब रूट 1 प्लस x स्क्वायर है, तो आप जानते हो रूट क्या होता है, रूट का मतलब यही है कि उसकी पावर क्या है, 1/2 है। ठीक, तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब ये किस टर्म में बन गया, मतलब ये किस रूप में दिख रहा है हमें, ये इस प्रकार से दिख रहा है जैसे डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, उसका एक डिफरेंशिएशन क्या होता है जब इस प्रकार का रहता है, तो उसका होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, जब हम एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन होता है। तो यहाँ पर भी देखो ये एक्स की टर्म में है ये पॉलिनोमियल, इसकी कुछ पावर है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो देखो भाई पहले तो मैंने ये आगे का जो भी है ये माल पानी ये ऐसे ही रखा, लॉग ए, और डी बाई डी एक्स ऑफ ये किया तो क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि एन इंटू एन माइनस वन, यानी कि 1 प्लस x स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगा, एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये हो गया ना, चलो मैं लिख ही देता हूँ एक बार लिखने में क्या, 1/2 माइनस 1। ठीक है, ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना है, अब 1/2 माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1। ठीक, अब देखो क्या ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है, बिल्कुल नहीं हुआ है अभी भी फाइनल आंसर, अभी कैसे नहीं हुआ फाइनल आंसर, अब देखो यहाँ पे डी वाई डी एक्स ऑफ ये अंदर की जो टर्म है इसका अभी बच गया है 1 प्लस x स्क्वायर का, अब आप बोले को ये कहाँ से आ गया, अब यहाँ पे देखो फिर से देखो इस फॉर्मूले को, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक है कि जो हमारा ये एक्स वाला टर्म है इसका फिर से डिफरेंशिएशन होता है, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स भी होता है इसमें, लेकिन वो फिर से 1 आ जाता है इसलिए वो यहाँ पे लिखते नहीं उसको। ठीक, तो
तो यहाँ पे तो हमारा ऐसा नहीं है कि एक्स है कि हमारा भी वन आ जाए, तो यहाँ पे हमें तो करना ही पड़ेगा डी बाई डी एक्स और वन प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इतना था भाई ये पूरा, ऐसा नहीं कि आप पहले ही छोड़ छाड़ के चले जाओ। अब देखो पूरा करते जाओ क्या क्या होगा इसमें। ये तो अपना ऐसा ही आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, आगे से लॉग ए भी अपना ऐसा ही रहेगा इंटू वन बाई, यहाँ पे देखो है इस वन को थोड़ा बीच में मैं क्यों लिख रहा हूँ देखो, टू ये देखो 1/2 में से एक जाएगा तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, माइनस का 1/2 है तो नीचे ले जा सकता हूँ उसको, तो उसकी घात क्या आ जाएगी प्लस की आ जाएगी, यानी कि ये से हो सकता है वन प्लस एक्स की स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। ठीक नीचे ले जाने पे यहाँ पे तो -1/2 आएगी, नीचे ले जाऊँगा डिनोमिनेटर में तो प्लस हो जाएगी पावर। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ये, डी बाई डी एक्स ऑफ ये करना है तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ वन करूँगा पहले, वो तो 0 हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का करूँगा यानी एक्स की पावर एन वाला लॉजिक फिर से लग रहा है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का किया तो हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर ये है ना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, तो क्या हो जाएगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक तो यहाँ पे देखो एन हो गया 2, 2 इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस वन यानी कि 2 में से एक गया कितना बचेगा 1, तो 2 इंटू एक्स हो गया ये। ठीक है एक्स की पावर एन माइनस वन ना, 2 2 - 1 कितना होगा 1 बचेगा, तो एक्स की घात 1 का मतलब एक्स ही हो गया। ठीक अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था, ये यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन इसका मतलब ये है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होगा 1, तो यहाँ पे भी अब हमारे पास एक्स का ही तो कर रहा हूँ मैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हो गया हमारा फाइनली 1 आ चुका है, तो अब हमें आगे डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ यही करना है भाई इसको सिंप्लीफाई करना है, जो कट फट रहा है उसको काट फाट दो बस यही बच रखा है, बाकी तो सारा ये हो चुका है डिफरेंशिएशन वाला जो भी करना है। ये लॉग ए ठीक है 2 से देखो 2 कट रहा है तो काट दिया मैंने उसको, एक्स बटे क्या बचेगा यहाँ पे 1 + x² की पावर 1/2। ठीक है तो ये था भाई साहब, ये इतना था हमारा जो भी आंसर था इस प्रकार से। तो आपके पास जब जो भी आंसर होगा यहाँ पे देख लेना मैच कर लेना। ठीक यहाँ पे हो सकता है इसको फिर से वापस उन्होंने रूट में चेंज कर सकते हैं, रूट इस 1/2 की पावर को क्या लिख सकता हूँ मैं, √1 + x² लिखा होगा। ठीक यही हो सकता है, बाकी और क्या हो सकता है इससे आगे एक्सपेंशन तो इसका। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, इसी इसी प्रकार के किसी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।